जय हिंद दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल वेप स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब तक हमने आपको 5 लेक्चर प्रोवाइड करा चुके हैं। आगे का लेक्चर आज हमारा आपको मतलब कल मिल जाएगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल वेप स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारे लेक्चर कैसे लग रहा है, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है, और आप हमें जो हम आपको क्वेश्चन देते हैं उनका आंसर भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर। जो हमने आपको पीछे क्वेश्चन कराए थे, आज उससे आगे के हमारे नए क्वेश्चन चलेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। हमने ये क्वेश्चन कल आपको इस तरीके का क्वेश्चन कराया था, उसी क्वेश्चन को एक बार और दोबारा से हम करा रहे हैं। आप इसको देख लीजिए। एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे। ठीक है जी, 34 रुपये में 8 संतरे खरीदे और उन्होंने 57 रुपये में 12 की दर से बेच दिए, तो 45 रुपये का लाभ देने के लिए कुल कितने संतरे बेचे। ठीक है दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, ये फिर सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी एंड रुपीस, ये आपको इस तरीके से हमने बताया था। अब देखो, 34 रुपये में 8 संतरे खरीदे गए हैं और जी 57 रुपये में 12 बेचे गए हैं। तो हमें इस तरीके से जब हमने 8 संतरे 34 रुपये में खरीद कर 12 संतरे 57 रुपये में बेच दिए, तो 45 रुपये का लाभ हुआ। तो हमने कुल कितने संतरे बेचे, ये क्वेश्चन है। तो कैसे करते हैं इसको करने का जो तरीका बताया था, सिंपल तरीका था। यहाँ से ये हमारे 8 संतरों की कीमत कितनी है, 34 है, तो एक संतरे की कीमत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 34/8। इसी प्रकार 12 संतरे 57 रुपये में बेचे गए, तो एक संतरा कितने रुपए में बेचे गया, 57/12। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यहाँ तक हमने बताया था। फिर आगे क्या करते हैं हम, यदि हमें कुल संतरों की संख्या निकालनी होती है तो जो ये अपोन वाली संख्या है 8 यानी और 12, इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम। 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 24, और 24 से दोनों में मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है जी, आगे इसको सोल्व करेंगे। 8 + 24 और 12 × 24, तो 34 + कितने हो गए हमारे, 34 + हो गए 102 और 57 × हो गए 114। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। यानी अब कुल मिला के बात ये होती है कि 102 रुपये का कोई सामान खरीद कर 114 रुपये में हमने बेच दिया, तो कितने रुपये का फ़ायदा हुआ हमें, यहाँ से प्रॉफिट जो हुआ है कितना, 12। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी ये जो 12 यूनिट है प्रॉफिट की, वो कितने के बराबर है हमारे, 45 के। ठीक है जी, यहाँ से क्या करेंगे हम, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 45/12। और हमें कुल संतरों की संख्या निकालनी है, कितने बेचे थे हमने, 24, तो यहाँ से 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45/12 × 24। और यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको से डिवाइड कर लो, 12 × 24 और 45 × 90, ये क्या हो गया हमारा आंसर, यानी हमने कुल कितने संतरे बेचे हैं, 90। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पीछे कल जो हमने आज प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन करा दिया था, एक बार वो रिवाइज करा दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन सेकंड हमारा है। नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपये की हानि प्राप्त की, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की दर्जनों में संख्या ज्ञात करो। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताओ जल्दी, हम कराते हैं आपको। आप यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार ये क्वेश्चन होगा। चालीस रुपये में प्रति दर्जन यानी कि एक दर्जन की दर से उन संतरे खरीदे हैं तथा उतने ही संतरे यानी 30 रुपये में प्रति दर्जन के भाव से बेच देता है, बेचकर 480 रुपये की हानि प्राप्त करता है। कितने की हानि प्राप्त करता है, 480
₹80 की हानि प्राप्त करता है तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या दर्जनों में हमें बतानी है। अब देखो यहाँ से तो सिंपल से दिख रहा है, यानी कि एक एक जो हमारे एक दर्जन संतरे कितने के, ₹40 के खरीदे और एक दर्जन ₹30 के बेच दिए, तो कितने का अंतर, उसको कितने का नुकसान हुआ भाई, 40 में लाकर 30 में बेच दिए तो 10 का। और क्वेश्चन में 10 किसके बराबर दिया है, उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने कितने रुपए का नुकसान, ₹480 का नुकसान, तो 480 यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 0 से 0 यानी कितना, 48। ठीक है दोस्तों, हमें ये निकालना था उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या बतानी है, क्वांटिटी में कितना है हमारे संतरे कितने खरीदे, एक दर्जन, तो 1 मल्टीप्लाई इसके साथ करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 48 दर्जन उसने संतरे खरीदे थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, देख लिए। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को संतरे यानी कि ₹1 में 12 संतरे बेचता है और उसे 20% का नुकसान होता है, वह ₹1 में कितने संतरे बेचे जिससे कि उसे 20% का लाभ हो। दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। करते हैं, देखो कैसे करेंगे, ₹1 में यानी क्वांटिटी और रुपीस लिख लिया हमने, ₹1 में कितने बेचता है, 12 संतरे बेचता है, तो उसको 20% का नुकसान होता है, और यदि वह ₹1 में कितने संतरे बेचे जिससे को उसको 20% का लाभ हो, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 12 संतरों की कीमत कितनी है, ₹1, यदि मुझे एक संतरे की कीमत निकालनी होगी तो कितना हो जाएगा, 1/12 मल्टीप्लाई बाई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 100+ प्रॉफिट और 100-लॉस। ठीक है दोस्तों, इस तरीके क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले से यहाँ से कर सकते हो, यानी अब करेंगे यहाँ से आगे सोल्व हम, 1/12 मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट चाहिए हमें, ये 100 इसलिए लिखा है हमने क्योंकि हमारा परसेंटेज में यहाँ पे है, तो परसेंटेज का मतलब ये तो होता है उसमें, यानी 100 हर चीज़ को ही 100% होती है, और 100% में हमें 20% का और चाहिए तो कितना हो जाएगा, 100+20/100-20, 20% का ही हमें क्या हुआ, नुकसान हुआ है। तो यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1/12 मल्टीप्लाई बाई 120/80, 10 से 10 और ये 12 से 12 कट जाएगा, यानी अब ये जो आता है हमारा 1/8 जो ये वाली नीचे वाली संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगी हमारे, यानी कि उसको ₹1 में, यहाँ पे अपन हमने 1 बना दिया ना ऊपर और नीचे, ₹1 में कितने संतरे बेचने चाहिए हमारे, 8, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो, मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ इस तरीके का, आगे देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹1 की 32 टोपियाँ बेचने पर एक व्यक्ति को 40% का नुकसान होता है, वह ₹1 में कितनी टोपी बेचेगी उसे उसे 20% का लाभ हो। तो किस प्रकार करेंगे, क्वांटिटी रुपीज़, यानी ₹1 में कितनी टोपी बेचनी है, 32, तो उसको क्या हो रहा है, 40% का नुकसान हो रहा है, तो वह ₹1 में कितनी टोपी बेचे जिससे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। क्या बताया था, यहाँ से मैं एक टोफी की वैल्यू निकालूंगा 1/32 और यहाँ पे 100+ प्रॉफिट और 100-लॉस, तो हमें कितना कितना प्रॉफिट चाहिए, 20% का, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 100+20 यानी कि 120, और नुकसान कितना हुआ है, 40%, यानी कि 100-40 कितना हो गया, 60। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से वो सोल्व कर लीजिए इसको आगे, ये सोल्व हो जाएगा, कट जाएगा 60 × 120, 2 से कट जाएगा ये 16 बार, यानी कि ₹1 में कितनी टोपी बेचनी चाहिए उसको जिससे कि 20% का लाभ हो, 16, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे आप इसका, और फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ₹40 में 45 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ₹24 में कितने नींबू बेचने चाहिए। करते हैं किस प्रकार करेंगे, क्वांटिटी एंड रुपीज़, ₹40 में
45 नींबू बेचकर 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए ये हमें निकालना है। तो 45 नींबू 40 रुपये के है, एक नींबू कितने का हो जाएगा 40/45 मल्टीप्लाई नुकसान कितने का हुआ है 20 का, तो यहाँ पे 100-20 यानी 80, और प्रॉफिट कितना चाहिए 20% का, तो 100+20 यानी 120। यहाँ से इसको आगे सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 और ये कट जाएगा हमारा 5 से 9 बार, 5 से 8 बार, 8 से 8 बार, 3 से 3 बार और 3 से 4 बार, यानी कितना हो गया यहाँ से 4/3। अभी हमारा 4/3 आ गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें कितने 24 रुपये की बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई क्या करा देंगे 24, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई 24 और 3 से इसको भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3×8=24। तो उसको कितने रुपए मतलब कितने नींबू बेचने चाहिए 24 रुपये में, 24 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए, ये कितना हो जाएगा 8×32, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, 40 रुपये में 45 नींबू बेचना है तो 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसको 24 रुपये में, इस बार हमारा यहाँ पे कितने रुपए की मतलब वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो जितने रुपए की जितने भी रुपए में हमें नींबू बेचने हैं उसकी इस वाली कंडीशन में मल्टीप्लाई करा देते हैं, 45 नींबू 40 रुपये के, एक नींबू 40/45 मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट हो रहा तो 100 में ऐड कर देंगे, जितना भी प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ तो 100 से लॉस को घटा देंगे। आगे यहाँ पे फिर इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारा 4/3 आ गया, और 24 रुपये में बेचने की बात की तो 24 से मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर इसको सोल्व करने के बाद ये कितना हो जाएगा हमारा 8×32, तो 24 रुपये में उसको 32 नींबू बेचने चाहिए जिससे कि उसको 20% का लाभ हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है जब वह 1 रुपये में 12 संतरे बेचता है, यदि उसे 20% का नुकसान हो तो बताइए उसने 12 संतरे कितने रुपये में खरीदे, ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए आप इसका आंसर, हमें कमेंट करके बताइए क्या इसका आंसर होगा, और आप हमारे साथ मैच कर लीजिए आंसर क्या आएगा, क्वान्टिटी एंड रुपीज। अब देखो 1 रुपये में 12 संतरे बेचता है तो उसको 20% का नुकसान होता है, यानी यहाँ से मैं एक संतरे की कीमत निकालता हूँ तो कितनी आ जाएगी 1/12, नुकसान कितना होता है, नुकसान होता है उसको 20% का, और प्रॉफिट होता है हमारा 20% का, यानी 120/80 ये हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है, तो 12 संतरे कितने रुपए में ख़रीदे, यानी क्वांटिटी तो कितनी होगी 12 ही होगी, और यहाँ पे रुपीज़ यानी हमारी क्वांटिटी तो है ये पूरी 12 ही, तो ये वाली संख्या यहाँ पे ऐसी आ जाएगी, इसको आगे सोल्व कर लो 0 से 0 और जी फिर आगे क्या हो जाएगा, ये हमारा आगे हो जाएगा 4×2=8 और 4×3=12 3/2, 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, कितना 1.5, तो कितना फ़ायदा होगा मतलब वो 12 संतरे कितने रुपए में ख़रीदता है 1.5 रुपीज में, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते थे, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन है हमारा, 80 बॉल पेन 140 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि हो जाती है, तदनुसार उसे 30% का लाभ लेने के लिए 104 रुपये पर कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। ऑप्शन हमारे वन ऑप्शन है 32, सेकंड है 52, थर्ड है हमारा 48 एंड फोर्थ है 42। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा, हम आपका कमेंट ज़रूर चेक करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, क्वेश्चन 8 क्या कहता है हमारा, 80 कुर्सियाँ को बेचने पर प्राप्त लाभ 45 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर है, तो 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ 77 कुर्सी यानी 77 चेयर्स के साथ जो हमारी 21 कुर्सी मुफ्त दिए जाने पर कितना लाभ प्राप्त होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए कैसे करते हैं। सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो डायरेक्ट, 80 कुर्सियों को बेचने पर प्राप्त लाभ 45 कुर्सियों के लागत मूल्य पर के बराबर है। अब देखो जब हम 80 कुर्सी बेचते हैं
हमें 45 कुर्सी के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी यहाँ से जो प्रॉफिट है वो तो 45 का हुआ है, और जो लाभ हुआ है वो किस चीज पर हुआ है, लागत मूल्य के बराबर, यानी कि जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 60। ठीक है दोस्तों, 60 हो जाएगा, यानी सीपी तो यहाँ से कितना आ गया 60, और हमारा सेलिंग प्राइस यानी जो विक्रय मूल्य होता है वो क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना 105। ठीक है जी, 105 हो गया। अब इसको यहाँ से शोर कर लो, जितने शोर होता है शो कर लीजिए। अब देखो ये कितने से कट जाएगा, 15 चौका 60 और 15 सत्ते 105, यहाँ से जो उसका रेशो आया वो कितना आ गया हमारा 4:7। आगे इन्होंने कहा है, जब 77 कुर्सी की बिक्री के साथ में 21 कुर्सी हमें क्या मुफ्त दी जाती है, जब हम यानी 77 कुर्सी बेचते हैं तो हमें 21 कुर्सी मुफ्त मिल जाती है, यानी टोटल कुर्सी कितनी होगी हमारी भाई 77, तो हमने खरीदी जब 77, मतलब 16 77 बेचते हैं तो 21 हमें मुफ्त मिलेगी, तो टोटल ये कितनी हो गई हमारी 98, कितनी हो जाएगी 98। यानी बात तो ये आई ना, हमें जो पैसे देने पड़ेंगे, अब जो मतलब दुकानदार है, दुकानदार को तो जो कॉस्ट प्राइस वो टोटल यहाँ 98, जो हमारे 98 चेयर है उनका देना पड़ेगा भाई। अब मैं दुकानदार हूँ, सपोज दैट अगर मैं कहीं से कुछ सामान लेकर आया, ठीक है, तो मैं जो सामान लेकर आया वो तो टोटल अमाउंट दिया होगा ना, जितना भी लेकर आया हूँ, अब मैं आगे उस पर छूट दे रहा हूँ, यानी 77 कुर्सी पर मैंने यानी 21 कुर्सी और मुफ्त में दे दी आपको, तो 77 कुर्सी के पैसे देने पड़ेंगे यानी जो भी खरीदेगा, लेकिन जो मेरी जेब से गए हैं वो कितना हो गए भाई 21 के भी तो मैंने पैसे दिए होंगे, तो टोटल वो कितने के देगा दुकानदार, 98 रुपए के। यानी यहाँ से जो होगा हमारा 98 चेयर का जो कॉस्ट प्राइस, और वो कितने 77 के साथ में चले जाएगा भाई, क्योंकि 77 सेलिंग प्राइस है और 77 ही हमने खरीदी है। अब आगे कैसे स्टोर करेंगे, जो ये वाला रेशो है इसके साथ में इसकी मल्टीप्लाई करा दो। अब इसको यहाँ से आगे सोल्व कर लीजिए, इस तरीके से हो सकता है, देखो 7 से कट जाएगा ये 7 एकम 7, और 7 से इसको भाग करते हैं तो 7 एकम 7 7 चौक 28, क्योंकि 2 बचेंगे, ये हो गया हमारा 14, 77 7 2 14, और इसको काटेंगे 7, हमारा 7 से 2 ये 11, और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 रेशो 11, यानी अब जो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 8 रुपए की खरीद कर कितने में बेच दिए 11 में, तो प्रॉफिट कितने का 3 का, कितने पर 8 पर, यानी कितना हो जाएगा 3/8, और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, 3/8 मैंने आपको डायरेक्ट भी याद कराया तो कितना होता है 37 से ही 2/2%, ये क्या हो जाएगा हमारा मंसूबा। ये बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे, यदि आपको समझ में नहीं आई है एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकाला, रेशो किस प्रकार निकाला, क्वेश्चन में कहा है 80 कुर्सियों को बेचने पर जो प्राप्त लाभ होता है वो 45 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर होता है, यानी यहाँ से कहने का मतलब क्या है, PEG = CP वाली कंडीशन दी थी, ठीक है जी, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है हमारे लागत मूल्य के, जो प्रॉफिट पी है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर हुआ है उसकी लागत मूल्य के, तो यहाँ से हमने दोनों चीज निकाली, प्रॉफिट मिल गया और कॉस्ट प्राइस मिल गया। यहाँ से हमने सेलिंग प्राइस निकाला, सेलिंग प्राइस क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि 60 + 45 कितना हो जाएगा 105, इन दोनों का रेशो 15:60 और 15:70 कितना हो जाएगा 105। यहाँ से फिर आगे कंडीशन ये बनती है, जब हम 77 कुर्सी खरीदते हैं, जब हम यहाँ 77 कुर्सी बेचते हैं तो 21 कुर्सी और मुफ्त देते हैं, यानी कि जो दुकानदार है उसको टोटल कितने रुपए का, मतलब टोटल उसने 98 कुर्सी का पे किया होगा, और जो हमारा विक्रय है जो यानी कि ग्राहक है उसने तो 77 रुपए का ही दिया है, क्योंकि उसने 77 खरीदे, 21 तो उसको मुफ्त में मिली है, तो यानी 98 रेशो 77 इसके साथ में मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कितना 37 से 2%। ये दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो दोस्तों अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टाइप चलता है तो आप अच्छे से इसको समझ लेना। क्वेश्चन है, मोहन ने 32,000 रुपये में 20 डाइनिंग टेबल खरीदी और उन्हें 4 डाइनिंग टेबल की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा, तो प्रत्येक डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य क्या है, ये क्वेश्चन हमें करके बताना है। देखिए कैसे करते हैं,
32,000 में 20 डाइनिंग टेबल खरीदी और उन्हें जो प्रॉफिट हुआ है वो 4 डाइनिंग टेबल के बिक्री मूल्य के बराबर, इसके बिक्री मूल्य के बराबर, यानी जो प्रॉफिट 4 का हुआ है वो सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि जो ये डाइनिंग टेबल की संख्या है ये हमारे सेलिंग प्राइस के इक्वल हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या है बिक्री मूल्य लाभ के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा प्रॉफिट भी हमारे पास है, सेलिंग प्राइस भी है, यहाँ से मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो इसमें से इसको घटा देंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी कि एस पी माइनस पी, यही तो होता है, ये हमने आपको लिखाए भी थे। तो इसमें से हम यानी 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारा 16, यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 16, और 20 डाइनिंग टेबल खरीदी कितने में है हमारी 32,000 में, यानी 16 यूनिट किसके बराबर दी है हमारी 32,000 के। यहाँ से मैं एक टेबल की यदि कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये इसका कितना गुना है 2000 गुना 16 दूनी 32। ठीक है, उसके बाद तो हमें क्या बताना, तो प्रत्येक डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य, तो डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य कितना है 20 का कितना हो जाएगा 2000, ये से इसके साथ मल्टीप्लाई, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया हमारा 40,000। अब प्रत्येक का निकालना है तो टोटल कितनी है 20 है, तो 20 से इसको भाग कर देंगे, इससे इसको भाग किया तो कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है दोस्तों, दैट इज आप इस तरीके सॉरी ये यहाँ से 20,000 नहीं 2000, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो भी कट जाएगी ना, तो कितना आ जाएगा हमारा 2000, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, जो ये आता है ना इसका मल्टीपल, ये इसका डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकता है, आप इतना भी ना करो ना, क्योंकि कट पिटा के तो वही आएगा। अब 20 था हमारा मल्टीप्लाई, हमने 2000 से कराई दोनों की, फिर क्योंकि इसको जितनी भी टेबल है उससे इसको डिवाइड कराना होता है, तो आप इसको चाहे यहाँ से इसको इस तरीके से 20 से 20 भी काट सकते हो, लेकिन ये चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे आप यहाँ से जो भी इसका मल्टीप्लाई आएगा इसको भी आंसर दे सकते हो। आगे देख लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हम खुद करा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जल्दी कीजिए और करके आंसर बताएं, सेम क्वेश्चन है पहले की तरह। क्वेश्चन 10 पर आ चुके हैं, क्वेश्चन 10 है हमारा, मोहन ने 18,000 रुपये में 16 डाइनिंग टेबल खरीदी और उन्हें 4 डाइनिंग टेबल की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया, तो प्रत्येक डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य क्या है। सेम पहले तरह क्वेश्चन है, अभी पीछे हमने कराया था, इसको भी इसी प्रकार हम कर लेंगे। तो कैसे करते हैं, कीजिए, प्रॉफिट कितना हो रहा है 4 डाइनिंग टेबल के बिक्रय मूल्य के, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाए सॉरी यहाँ से हो जाएगा हमारा बिक्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा हमारा 16। ठीक है दोस्तों, बिक्रय मूल्य के बराबर है, तो जो ये वाली डाइनिंग टेबल की संख्या है वो किसके बराबर हो जाएगी हमारी सेलिंग प्राइस के। तो यहाँ से हम कि सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना, यानी कि 12, और 12 यूनिट इक्वल किसके दिए हैं हमारे 18,000 के। ठीक है जी, यहाँ से अब हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी 12 कम 12 और 12 5 60 और बाकी ये कितना 20। तो मैं हमने आपको बताया, आप डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर लगा सकते हैं, तो प्रत्येक डाइनिंग टेबल का जो विक्रय मूल्य होगा कितना हो जाएगा 1500, चाहे आप करके देख लीजिए, यानी कि यहाँ से हमारा क्या हो गया 12, यहाँ से एक डाइनिंग टेबल कितने रुपए की है 1500 की, तो 16 डाइनिंग टेबल कितने की हो जाएगी 1500 गुना 16, और प्रत्येक का निकालने के लिए 16 से इसको फिर भाग करना पड़ेगा, यानी 16 से 16 कट जाएगा, फिर कितना आ जाएगा हमारा 1500। ठीक है जी रुपीज़, दैट इज आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो ले लीजिए या नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे फिर से आते हैं, हमने पीछे आपको पीछे वाला एक टाइप पढ़ा दिया था, उसमें 2 क्वेश्चन आपको कराए थे, उस तरह के क्वेश्चन की आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करना। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर, आगे क्वेश्चन 11 तक पहुंच चुके हैं हम। एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं किस तरीके से करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस हमेशा हम कितना मानते हैं, कॉस्ट प्राइस हम हमेशा 100% मान के चलते हैं। अब कहा है जब एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, भाई कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया तो 10% की हानि हो गई, तो उसने बेचा कितने रुपये में 90 रुपये में। उसके बाद
वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो, किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। 20% का लाभ का मतलब तो यही है, कॉस्ट प्राइस 100 है, उस पर 20 का लाभ हो तो कितने रुपए में बेचना चाहिए उसको, 120 रुपये में। आप चाहे यहाँ से इसका रेशो निकाल सकते हो, रेशो निकाल लीजिए, 0:0, 3:4। अब उसने कहा जब उसको 10% की हानि होती है तो वो कितने रुपए में बेचता है, 240 रुपये में, यानी कि 3 यूनिट किसके बराबर है, 240 यूनिट के। इसका ये कितना गुना हो जाएगा, 80 गुना। इसी प्रकार जब उसको 20% का लाभ होगा तो वह ये भी इसका कितना हो जाएगा, 80 गुना, और चौक 32, तो उसको 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को 320 रुपये में बेचना चाहिए। यही किसका क्या होगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, एक बार और आप देख लीजिए। जब किसी वस्तु को 240 रुपये में एक व्यक्ति बेचता है तो उसको 10% का नुकसान होता है, 100 में से 10% का नुकसान हो गया तो कितने रुपये में बेच दी, 90 रुपये में। उसके बाद वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि इसको 20% का लाभ हो, 100+20% = 120, यानी कि दोनों सेलिंग प्राइस का हमने यहाँ से रेशो निकाल लिया, 0:0, 3:9, 3:12। उसके बाद जो 3 यूनिट हैं वो पर्सन के अकॉर्डिंग कितने यूनिट के बराबर है, 240 रुपये के, यानी कि 3 किसके बराबर है, 240 के, यानी 3 का 80 टाइम कितना होता है, 240, यानी कि इसका कितना गुना है, 80 गुना। इसी प्रकार जब हमें 20% का लाभ प्राप्त करना होगा तो ये 4 गुना 80 तो कितना हो जाएगा, 320, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घोड़े को 570 रुपये में बेचने पर व्यापारी को 5% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए किस प्रकार करते हैं हम। हमने बताया था कॉस्ट प्राइस हमेशा हम कितना मानते हैं, 100, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है। जब कोई व्यापारी 570 रुपये में घोड़ा बेचता है तो उसको नुकसान होता है 5% का, यानी कि यदि हमने कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया तो 5% की इस पर हानि हो गई तो उसने कितने रुपए में इसको बेचा, 95, 100-5 यानी 95। उसके बाद जब उसको 5% का प्रॉफिट चाहिए तो वह घोड़े को कितने रुपए में बेचना चाहिए, 5% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए इसमें, यानी कि 100+5 कितना हो जाएगा, 105। ठीक है जी, अब इसको यहाँ से हम इन दोनों का रेशो निकाल लीजिए, ये देख लो कट जाएगा, उसको काट लो, ये कट गया हमारा कितने बार, 5 से काटेंगे, 19×95, 5 से इसको काटेंगे, 5×2 = 10 और 5×1 = 5, यानी 21×5। आगे क्वेश्चन में दिया है जो 19 यूनिट है वो कितने के बराबर, 570 के, यानी 19 का कितने गुना, 19×57 = 30 गुना। इसी प्रकार ये भी हमारा 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए 30 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 21×63। तो जब वह 5% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसको घोड़े को कितने रुपए में बेचना चाहिए, 630 रुपये में। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे पहले से 800 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 9% का लाभ होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है क्वेश्चन को, देखो किस प्रकार करेंगे, करने का तरीका वही है, थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी है। यानी क्वेश्चन में कहा है हम सीपी जो मानते हैं कितना मान के चलते हैं, 100। जब कोई व्यक्ति वस्तु को 7% की हानि पर बेचता है, 7% की हानि पर बेच दी तो कितने रुपये में, 100 में से 7% हानि पर बेची तो कितना आ गया हमारा, 93। उसके बाद बेचता है, यदि वह उसे पहले से 800 रुपये ज़्यादा में बेचे तो 9% का लाभ होगा। अब उसको क्या होगा, 9% का लाभ, तो ये कितना हो जाएगा, 109। कब होता है, जब वो 800 रुपये ज़्यादा में बेचे। अब देखो जी, ये जब उसको 7% की हानि हो रही है तो 93 रुपये में बेचता है, जब उसको 9% का लाभ हो रहा है तो 109 रुपये में बेचता है। तो यहाँ से यानी 93 से 109 तक जाने में कितने का अंतर आया, ये हो जाएगा हमारा 16, और ये 16 यूनिट कितने रुपए के बराबर दी है, 800 रुपये के। अब यहाँ इसको सोल्व कर लीजिए, 16×5 = 80 और गुना
ये जीरो हो जाएगी यानी 16 का, ये कितना गुना है 50 गुना। इसी प्रकार हमें बताना क्या था, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। भाई क्रय मूल्य हमने माना कितना है 100, लेकिन सोना होगा कितना, इसका 50 गुना, तो कितना हो जाएगा हमारा 5000। दैट इज आंसर। समझ में आ गया आपको, देख लीजिए एक बार और। कॉस्ट प्राइस हम कितना मानते हैं 100, जब 7% की हानि हुई तो कितने रुपये में बेच दिया 93 में, जब हमें 9% का लाभ हुआ तो 109 में बेचा। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने का अंतर आया है, हमें कितने यानी 93 से 109 रुपये में बेचने पर कितने रुपये ज़्यादा में बेचा 16 रुपये में, और जो 16 जो यूनिट है वो कितने के बराबर दी है 800 यूनिट के बराबर, इसका कितना गुना 50 गुना। इसी प्रकार जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो भी 50 गुना हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन हम 14 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 6 रुपये का अंतर आता है। 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 6 रुपये का अंतर आता है, तो कमीज का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट करना है, किस प्रकार करेंगे, जब हमारा प्रॉफिट हो तो इन दोनों का अंतर ही, जैसे 15% का लाभ हुआ और 17% का लाभ हुआ, इन दोनों का अंतर कितना है 2, यानी कि 2% बराबर किसके हो जाओगा, जो अंतर दिया होगा कितने के 6 के। अब हमें कमीज का क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य कितना होता है हमेशा 100%। इसको 100% बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 50-50 से मल्टीप्लाई करा दो, यानी ये 100% बराबर कितना हो जाएगा 5×30, यानी कि जो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 300 रुपये। ये क्या हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए, यानी कि जब प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों का अंतर ले लीजिए, जब प्रॉफिट पहले प्रॉफिट हो रहा है और फिर लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, या पहले लॉस हो रहा है फिर प्रॉफिट हो रहा है तो इन दोनों को भी तब भी हम ऐड कर देते हैं, और जब प्रॉफिट और प्रॉफिट होता हो तो क्या करते हैं, हम दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आप याद रख लेना। अब बढ़ते हैं इस तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे पहले से 45 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 12.5% का लाभ होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अभी हमने आपको बताया था इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, जब हमें प्रॉफिट पहले हानि हो रही हो फिर प्रॉफिट हो रहा हो तो हम क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, यानी पहले क्या हुआ 10% की हानि और फिर बाद में 12.5% का लाभ। यहाँ से यहाँ तक ये इससे कितना ज़्यादा है, यानी कि कितना टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसको पहुँचाएंगे तो कितना 22.5% की वैल्यू कितने के बराबर, कितना ज़्यादा 45 रुपये, तो ये इसके 45 रुपये के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से अब हमें करना क्या है, 100% की वैल्यू निकालनी होगी, 100% की वैल्यू यानी सबसे पहले 1% निकाल लिया 45/22.5, अब 100% की वैल्यू तो 100 से मल्टीप्लाई इधर और 100 से मल्टीप्लाई इधर, यानी 100% इजिकल टू क्या हो जाएगा, एक जीरो पॉइंट से ऊपर जीरो चली जाएगी, यानी 450/225 मल्टीप्लाई बाई 100, 25×225 25×100 और 9×5 45, और ये कितना हो जाएगा 4×5 20, यानी कितना 200। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 200, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की वीडियो फिर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, हमने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आप इनका रिवीजन ज़रूर कीजिए, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।